जब सूरदास जी का प्रसंग मैं पढ़ता हूँ तो सूरदास जी को एक बार भगवान ने दर्शन दिया था। भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया था सूरदास जी ने। एक बार सूरदास जी कुएं में गिर गए थे। सूरदास जी जा रहे थे सत्संग करने, हवा तूफान चलने लगा, रास्ता भटक गए तो एक गड्ढे में गिर गए। अब सूरदास जी थे, निकलने का कोई रास्ता था नहीं और दिखना भी नहीं है, तो गिरे पड़े वहीं पर। वो अपना श्याम सुंदर का श्री राधा राधे कृष्ण का जाप उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो भगवान तो परम दयालु थे, भगवान दयालु थे। अब देखना, भगवान भी दयालु हैं और राधा जी भी दयालु हैं। अब दोनों में कौन ज्यादा दयालु है वो यहाँ आपको स्पष्ट हो जाएगा। जब सूरदास जी गिर गए गड्ढे पर तो श्याम सुंदर आ गए, छोटा सा नन्हा सा बालक का रूप बना के, बाबा मेरा हाथ पकड़ लो। देखो मैं यहाँ से गैया चरा के जा रहा था और मुझे लगा कि यहाँ कोई है, तुम्हें बचाने आया हूँ, मेरा हाथ पकड़ लो। सूरदास जी समझ गए कि जंगल में कोई नहीं हो सकता, भगवान मन में भगवान ही हो सकते हैं, ये तो बड़े छलिया है ना, कुछ भी बन के आ जाते हैं। सूरदास जी मन में बोले, आज पकड़ूंगा तो छोड़ूंगा नहीं। सूरदास जी ने कहा, प्रभु मैं तो अंधा हूं, मुझे क्या पता कि आप कहाँ हैं, आपका हाथ कहाँ है। मैं नहीं जानता कि आपका हाथ कहाँ है, बस आप जानते हो ना कि मेरा हाथ कहाँ है, इसलिए प्रभु मैं आपको नहीं पकड़ सकता, आप ही मुझे पकड़ लीजिए। देखिए भक्तों का भाव है। अब ये बातें कहीं लिखी नहीं है कि इसका ये कोई व्याकरण से अर्थ लग रहा, ये भाव है कि मैं आपको क्या पकड़ो, आप मुझे पकड़ लीजिए। और पकड़ लीजिए तो भगवान ने पकड़ लिया। इसलिए कहा करता हूं कि आप मत पकड़ लेना धोखे से भगवान को, भगवान की तरफ तो अपने हाथ बढ़ाते रहो। कन्हैया मुझे क्या पता कि आपके हाथ कहाँ है, आपको पता है ना कि मेरे हाथ कहाँ है, इसलिए आप मेरे हाथों को पकड़ लीजिए, आप हमें पकड़िए, हम आपको नहीं पकड़ेंगे, हम पकड़ लेंगे आपको तो छोड़ सकते हैं आपको, हम पकड़ लेंगे आपको तो हम आपको छोड़ के अभिमान में डूब सकते हैं, घमंड आ सकता है, पर आपने पकड़ा होगा फिर आप नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आप मुझे पकड़ लीजिए। तो सूरदास जी ने पकड़ लिया, सूरदास जी को भगवान ने पकड़ लिया। और जैसे ही पकड़ा बाहर आए तो सूरदास जी ने तुरंत भगवान को अब पकड़ लिया, आपने हमें पकड़ा हम भी आपको अब पकड़ेंगे, और पकड़ लिया। अब भगवान छुड़ाने लगे, हाँ छोड़ो बाबा, कैसे बाबा हो, पकड़ लिया तुमने हमें, हाँ हाँ भगवान हो हमें, अरे मैं बालक हूँ, ग्वाला हूँ, फलाना हूँ। सूरदास जी बोले, बहाने ना बनाओ, ये जंगल में भगवान के सिवा कोई नहीं, मैंने बहुत बालकों के हाथ पकड़े हैं, पर आपका स्पर्श जितना सुंदर है ये भगवान का ही स्पर्श हो सकता है और किसी का स्पर्श नहीं, ये तो भगवान ही है। सूरदास जी ने पकड़ लिया भगवान को, और जब पकड़ा तो भगवान तो हाथ छोड़ाना चाहें तो छोड़ा दिया, हाथ छोड़ा रहे हैं। तब वहां सूरदास जी ने गाया, हाथ छोड़ाए जात हो, भगवान ने हाथ छोड़ा लिया और जाने लगे, हाथ छोड़ाए जात हो निर्बल जान के मोही, हृदय हृदय से जो जाओगे तो मर्द कहूंगो तो दुर्बल, मैं तो ठहरा दुर्बल, मैं तो असहाय लाचार अंधा हूं, मैं तो कुछ नहीं जानता, प्रभु आप ही मेरा हाथ छोड़ देंगे तो मेरा हाथ पकड़ेगा कौन, इसलिए आप तो कम से कम मेरा हाथ ना छोड़िए। और आप छोड़ रहे हैं, आप जा रहे हैं, यदि आपने मेरा हाथ छोड़कर जाना ही उचित समझा है तो जाओ, पर मेरे दिल से जाके दिखाओ तो जानू कि तुम भगवान हो, मेरे दिल से निकल के दिखाओ। सूरदास जी चुनौती दे रहे हैं भगवान को, मेरे दिल से निकल कर दिखाओ तो जाने, मतलब दिल में इस तरह बैठे हैं ठाकुर जी कि यहां से तो चले गए हाथ छोड़ा के, यहां से जाओ तो देखो बातें क्या है। ये भागवत, ये भक्ति कोई वाणी का विषय नहीं है, भक्ति कोई व्याकरण का विषय नहीं है, ये भगवान को जानना, भागवत को समझना, ये तो हृदय का विषय है, भावों का विषय है। यदि भाव से भरा हृदय है तो ही समझ में आएगी चीजें। श्री
सुखदेव भगवान, श्री सुखदेव भगवान, भगवान जब हाथ छोड़ा के चले गए तो सूरदास जी जोर जोर से रोने लगे, और जब रोए ना तो श्याम सुंदर के पास में थी श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी, उन्होंने कहा कोई रो रहा है? तो राधा जी बोली कोई रो रहा है? भगवान बोले नहीं नहीं बाबा जी रो रहे हैं, बड़े खतरनाक है, पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं है। राधा जी बोली चलो ना, वो रो रहे हैं जरूर, आपके लिए रो रहे होंगे, चलो। देखो राधा जी जब भगवान खुद छोड़ा देते हैं हाथ तो राधा जी किस तरह मनाती हैं। राधा जी बोली चलो, चले। दोनों पहुंचे सूरदास जी के पास, बाबा बाबा। राधा जी बोली बाबा आप क्यों रो रहे हैं? श्री सूरदास जी बोले मेरे कन्हैया ने मुझे छोड़ दिया है इसलिए रो रहा हूं। राधा जी बोली, श्याम सुंदर बोले राधा तुम दूर रहना, ये बाबा जी पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं है। तो राधा जी ने अपने पांव आगे किए और राधा जी ने बाबा जी के पास आगे किया पांव, कहा देखो हमें तो नहीं पकड़ रहे हैं बाबा जी। तो अपने चरण श्री किशोरी जी ने सूरदास जी की तरफ बढ़ाए, कहा देखो हमें तो नहीं पकड़ रहे हैं ये बाबा जी, हमें तो नहीं पकड़ रहे हैं सूरदास जी। तो श्री किशोरी जी ने अपने पांव को श्री सूरदास जी के गोद में पधरा दिया, गोद में चरण रख दिए, सूरदास जी ने नहीं पकड़ा। तब भगवान ने कहा बाबा पकड़ लेगा, मानो भगवान ही कह रहे हैं सूरदास जी जब तक ये पकड़ में नहीं आएंगे तब तक हम पकड़ में नहीं आएंगे, इनको पकड़ लो। मानो भगवान कह रहे हैं पकड़ लीजिए। सूरदास जी ने श्री राधा रानी के पांव को ज्यों पकड़ा तो पांव तो पकड़ में नहीं आया पर पायल पकड़ में आ गई, तो पायल सूरदास जी के पास आ गई। अब राधा जी बोली बाबा हमारी पायल दे दो। बोले नहीं ये आपकी पायल है, हम कैसे जाने आ? बोली अभी अभी आपके पांव गोद में आया हमारा पांव, आपने छीना झपटी की, पांव में पायल थी। सूरदास जी बोले नहीं पहले दूसरी दिखाओ, पहला दूसरा पांव दिखाओ, हम भी उस पांव को स्पर्श करेंगे और देखेंगे। हम तो देख नहीं सकता, हम तो अंधे हैं, हम तो छू के टटोल के देखेंगे कि वही पायल है कि नहीं। किशोरी जी समझ गई सूरदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि मैं एक चरण से संतुष्ट नहीं हुआ माँ, मुझे दोनों चरण चाहिए आपके, आपके दोनों चरण चाहिए। और अंत में फिर कथा लंबी है सूरदास जी की, भगवान ने राधा रानी ने अपना पांव दिखाया, सूरदास जी ने अपने हाथों से बाद में श्री किशोरी जी को पायल पहनाई। राधा जी बोली हमें रास में जाना है, विलंब हो रहा है। सूरदास जी बोले दूसरी पायल पहन लो। बोले अब कहाँ जाएंगे दूसरी पायल पहनने, और विलंब हो रहा है हमें। तो ठाकुर जी के चरणों में राधा रानी के पायल पहनाए। राधा जी ने कहा पुत्र तुम्हें क्या चाहिए? सूरदास जी ने कहा माँ आप जिन्हें मिल जाएं, गोविंद जिन्हें मिल जाएं, उन्हें पाने के बाद भी क्या कोई चाहत शेष रह जाती है? वह सब कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान ने कहा, राधा रानी ने कृपा की और उनकी आंखें वापस कर दी। सूरदास जी को दिखने लगा था, और सूरदास जी ने जब आंखें खोली देखो भगवान है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंदम माधवम। भगवान जब कृपा करें तो गूंगा भी बोलता है, लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है, और अंधा भी देख सकता है भगवान की कृपा जब होए। तो भगवान की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं, देख सकते हैं। सूरदास जी देखना स्टार्ट कर रहे हैं और टुकुर टुकुर जब आंखें खुली तो सामने श्याम सुंदर श्री किशोरी जी का पावन दर्शन हुआ, और जब देखे तो नेत्र सजल हो गए, आंखों से अश्रुपात होने लगा और श्री राधा कृष्ण हृदय में समा गए श्री सूरदास जी के, और उसी छवि का पावन दर्शन बार बार वो आंखों की पलक झपकाना नहीं चाहते कि पूरी जिंदगी में पहली बार तो आंखें खुली हैं और देखने को भी भगवान मिले हैं। भक्त का यही, भक्त की यही सार्थकता है कि उन्हें भगवान का दर्शन हो जाए। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन, हमारा यही लाभ है कि हमारी आंखों से ठाकुर जी का दर्शन हो जाए। आंखों का होना बस यहीं तक सार्थक है,
आंखें तब तक ही सही हैं जब तक ये ठाकुर जी के चरणों में लगी हैं, निहार रही हैं, इंतजार गोविंद का है। और श्याम सुंदर को जो श्री सूरदास जी ने टुकुर टुकुर देखा, और उसके बाद राधा रानी जाने लगी, चरणों में गिर पड़े, सूरदास जी माँ ऐसे मत जाओ, हमें कुछ देकर जाओ। देकर? अरे हमने तो, आपने तो अभी मना कर दिया था कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अब आपको देखने के बाद चाहत हो गई है, ऐसे मत जाओ, हमें कुछ देकर जाओ। क्या चाहते हो? जो मांगो दे दूं। श्री सूरदास जी ने कहा, आप देना चाहती हैं माँ, तो बस जैसे मैं पहले अंधा था, मुझे सूरदास बना दीजिए माँ, मुझे सूरदास कर दीजिए श्री किशोरी जी। क्यों? राधा जी बोली, आपको तो आंखें मिल गई, खुश होना चाहिए, अब आप सूरदास क्यों होना चाहते हैं? सूरदास जी ने कहा, जिनके लिए आंखें मिली थी उन्हें देख लिया, अब इन आंखों से आपके सिवा और किसे देखूंगा, इसलिए अब किसी को देखने की जरूरत नहीं, मैं जैसा था वैसा बना दीजिए, ताकि बस मैं आपकी ये छवि निहारता निहारता जाऊं, बस मैं किसी को नहीं देखना चाहता। ये भाव है, ऐसे महारसिक, ऐसे महाभागवत, ऐसे महाभक्त जानते हैं कि भागवत क्या है।